तो अभी हम सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को लेकर है। समझ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में 101% सरकार बनने जा रही है। पहले भी सामान्य कार्यकर्ता था, विधायक था, तब भी मैं कोशिश किया। 25 के 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसी मेरे को पूरा उम्मीद है और विश्वास है। 2023 का सियासी बिसात बिछ चुका है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। बिलासपुर के महत्वपूर्ण और चर्चित बेलतरा विधानसभा सीट से भाजपा ने मौजूदा विधायक रजनीश सिंह का टिकट काटा है और एक नए युवा चेहरे सुशांत शुक्ला को यहां का प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इस टिकट कटने को लेकर भी लगातार अलग अलग सवाल भी खड़े हो रहे थे। ऐसे में मौजूदा विधायक रजनीश सिंह जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। रजनीश जी, पार्टी ने एक नई भूमिका उनकी तय की है सुशांत शुक्ला की, उनको प्रत्याशी बनाया है। क्या लगता है मौजूदा विधायक का टिकट कटना, क्योंकि लगातार पिछले हमने चुनाव में देखा था 2018 के चुनाव में आप जीत कर आए थे, तमाम विषम परिस्थितियां थी, उसके बावजूद आपका टिकट कटना, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जब भारतीय जनता पार्टी का टिकट डिक्लेयर हुआ और बेलतरा विधानसभा का टिकट जब होल्ड था, तो उस समय न सिर्फ बेलतरा विधानसभा के हमारे कार्यकर्ता मतदाता, बल्कि जिले के कार्यकर्ता, प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं का, आप जैसे मीडिया के प्रमुख, मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का, अन्य दलों का, इतने लोगों का मेरे प्रति शुभेच्छा सद्भावना आया, तो वास्तव में लगता है मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अपने सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की ओर से इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञपूर्वक। और एक जनप्रतिनिधि के लिए इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता कि जब आप ऐसे समय में रहो तो इतने आपके प्रति लोग सद्भावना व्यक्त करें, तो एक मैं मानता हूं कि हमारी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी बेलतरा विधानसभा की, इनकी एक बहुत बड़ी पूंजी है कि लोगों ने हम सबके प्रति सद्भावना व्यक्त की। रही बात भाई सुशांत शुक्ला को टिकट देने की, पार्टी का कई चीज़ें रहती है, इसके चलते टिकट किसी को देना, किसी को उस दायित्व से मुक्त करना होता है। एक युवा चेहरा है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव है, प्रदेश स्तर पर प्रभाव है, और अपने सामाजिक जिस समाज से आते हैं उसमें व्यापक प्रभाव है। तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि बिलासपुर, जहां उस समाज के, हमारे सुशांत भाई के समाज का एक बड़ा वोट है, वहां उनको बहुत लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और पूरे संभाग में 25 विधानसभा में, चाहे ललुंगा हो, धर्मजयगढ़ हो, बिलाईगढ़ हो, इन सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगी और 25 के 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसी मेरे को पूरा उम्मीद है और विश्वास है। लेकिन रेड्डी जी, सवाल यही खड़े होता है क्योंकि कई हारे हुए प्रत्याशियों को भाजपा ने फिर से मौका दिया है, ऐसे में आप तो मौजूदा विधायक थे, कोई नकारात्मक अगर बात करें तो ऐसा कोई क्षेत्र में आप लगातार सक्रिय भी रहे हैं कि कोई ऐसा लगता है कि रजनीश जी सक्रिय नहीं रहे इसलिए टिकट कट गया, क्या कुछ वजह है, क्या देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण का एक अपना अलग सिस्टम है, राष्ट्रीय चुनाव समिति होती है, प्रदेश चुनाव समिति, और इन सब चीज़ों में विचार विमर्श करके टिकट दिया जाता है। तो या ये भी हो सकता है कि पार्टी के जो आशा अपेक्षा रही हो उसमें किन्हीं कसौटी पर मैं खरा नहीं उतरा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का एक मैं अपवाद नहीं हूँ, बहुत सारे समय में, बहुत सारे जगह में ऐसा चीज़ें हमको देखने को मिलती है। क्या माना जाए अब रजनीश जी की क्या कुछ भूमिका है भाजपा में? रजनीश पहले भी सामान्य कार्यकर्ता था, विधायक था, तब भी मैं कोशिश किया कि सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, मतदाताओं के साथ उसी भूमिका में रहता था, एक सामान्य कार्यकर्ता के समान। आज भी सामान्य कार्यकर्ता हूँ। क्या लगता है, कोई चर्चा आपकी हुई पार्टी के नेताओं से, कोई भूमिका तय होने वाली है आगामी चुनाव में? क्या रजनीश फिर से आएंगे लोकसभा चुनाव में, क्या संभावना बन सकती है? देखिए, क्या है, अभी विधानसभा चुनाव में पार्टी का पूरा ध्यान केंद्रित है और हमारा भी, हम सब लोगों का, हम सब कार्यकर्ताओं का, मेरे सहित सबका विधानसभा चुनाव में ध्यान केंद्रित है, और इस समय इस तरह की बातें मेरे को लगता है कि अभी समय पहले की बात है। तो अभी हम सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को लेकर है। क्या मानना है बेलतरा विधानसभा में, बिलासपुर जिले में, छत्तीसगढ़ में भाजपा क्या स्थिति रहने वाली है चुनाव में? देखिए, मैं जो समझ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में 101% सरकार बनने जा रही है। बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जीत करके विधायक बनेंगे, ये भी विश्वास के साथ आज आपको बोल रहा हूँ।
बिल्कुल, तो ये थे रजनीश सिंह, मौजूदा विधायक बेलतला के, जिनका टिकट कटा है और एक नए चेहरे को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि रजनीश सिंह जी का मानना है कि पार्टी ने जो उनकी भूमिका तय की है उसी लाइन पर वो चलेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने में मदद करेंगे। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर।